Anand L. Roy. Hi. The director, Anand L. Roy. हेलो सर, सर हम बीच में आ जाते हैं, लीजिए माइक, सर का चल रहा है? हेलो, सुपर सर, हाउ इज द फीलिंग? बहुत एक्साइटेड यार, टू एक्साइटेड, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच सर। जीरो के बारे में टाइटल जब नहीं भी था, मैं तब से सुनना स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप शाहरुख सर के साथ एक फिल्म बना रहे हैं, देन फाइनली फिल्म का जो पहला टीजर या थोड़ा बहुत जो फिल्म के बारे में पता लगा वो साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में न्यू ईयर के टाइम पे, फिर उसके बाद एक गाना आता है विद सलमान, वे शाहरुख इज ऑल्सो डांसिंग विद सलमान, एंड देन वो ईद के टाइम पे आया, देन आज के इस शुभ मौके पर जब खान साहब का बर्थडे है आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। सर ये जो सेलिब्रेशन वाला एंगल है कि कोई बड़े बड़े दिन सेलिब्रेशन जिस दिन होती है उस दिन आपने फिल्म के बारे में कुछ बताया, वॉज देयर अ थॉट बिहाइंड दिस? ये सोची समझी चाल थी? नहीं, चाल नहीं है यार, क्या है ना सुरेन, मिडिल क्लास घर का लड़का हूँ ना, तो सेलिब्रेशन ना हम मौके ढूंढते रहते हैं। जब माँ बाप को पहली सैलरी मिलती थी पहली तारीख को तो वो सेलिब्रेट कर लेते थे। क्या बात है। जब घर में पहली बार कूलर लगता था तो वो सेलिब्रेट कर लेते थे। पानी भरने का काम हमारा था। हाँ तो और माँ की जब पहली महंगी सिल्क की साड़ी आती थी वो भी हम सेलिब्रेट कर लेते थे। क्या बात है। तो इस बार तो मुझे शाहरुख खान मिला है तो फिर क्यों ना मैं ईद दिवाली सब उनके साथ मना लूं। तो क्या बात है यार, अमेजिंग सर। लेकिन कहते हैं ना कि आपने फिल्म जो है वो इतने प्यार के साथ बनाई है, वो फिल्म में अभी दिखने को भी मिलेगा, ट्रेलर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमने बड़ा इंतजार किया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 14 साल का वनवास हमने एक साल में काट लिया है। बट मैं सीरियसली चाहता हूँ, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं होता है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए आपने 14 साल का वनवास एक साल में काटा है, मैंने एक साल का वनवास 14 साल में काटा है। तो प्लीज देखिए, हम भी यही इंतजार कर रहे हैं कि आप इसे देखिए और इंजॉय कीजिए, हम आपको फिर मिलते हैं। ट्रेलर देखें, आर यू रेडी? आई सेड आर यू रेडी? ऑन द काउंट ऑफ थ्री, अगर देखो फिर से नंबर आ गए हैं, ऑन द काउंट ऑफ थ्री अगर आप लोग जरा ये वर्ड जो है वो दोहराना स्टार्ट करेंगे सो मे बी वहां पे उनको क्यू मिलेगा, आवाज पहुंचेगी। 1 2 3। इतने थकेले, अरे तुम्हारे क्लास में मार्क्स कितने आए थे ये नहीं पूछे, फिल्म का नाम है ये। ऑलराइट, ऑन द काउंट ऑफ थ्री, 1 2 3। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द मच अवेटेड ट्रेलर ऑफ जीरो। करुणा बटवाल मैम, द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मनु आनंद, थैंक यू थैंक यू। आपका नाम ऑल्सो नॉट हियर, ओके। कॉस्ट्यूम डिजाइनर अकी नरूला, अनायता श्रॉफ अजानिया एंड अंकिता झा, नो ओके। वी गॉट executive producers Ashish Tandel and Shashikant Sinha, chalo, our action directors Sunil, Sergey, no okay, and of course I'd like to thank somebody whose dance is just out of the world, man. One day if I could just move like him, ladies and gentlemen, presenting the man Bosco. Okay, so ye lag chuka hai ab, ओके। तो अब ये यार आपने हर इंसान के लिए गाया होगा लेकिन आज बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। आई हैव टू टेल यू दिस, ओके, आई रियली, ये शायद आप लोग ना ये समझ ना पाए क्योंकि हम सारे लाइक वी आर पार्ट ऑफ द मीडिया एंड वी थिंक दिस हैपेंस। आज आप लोगों ने अगर अपना इंस्टाग्राम खोला है, देखा है ना सबने क्या हो रहा है वहां पे, so I'll tell you what's happening and I couldn't believe this till I actually went onto my Instagram. You know, every person on Instagram that I know
इज शेयरिंग अ मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जो शायद इनके साथ उनका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, या कभी किसी इंटरव्यू में, या कभी कहीं पे मिल गए, फोटो खींच ली. एवरीबडी इज सेंडिंग मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम के हैप्पी बर्थडे एस आर के, हैप्पी बर्थडे एस आर के. आई थिंक आई कुडंट बिलीव इट टिल आई एक्चुअली रीच दिस प्लेस के यार लाइफ में कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑन द डे ऑफ शाहरुख खान बर्थडे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन स्टेज विद हिम. 2018 विल बी अ वेरी important year. Ladies and gentlemen, please, please join me in welcoming him by singing a very simple song, which is Happy Birthday. Please, gaayenge saath mein mere? Of course gaayenge. Kyun nahi gaayenge? All right. On the count of three. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shah Rukh. Happy birthday to you. Happy birthday, sir. It's amazing. Thanks. बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you very much आप सबका. ऐसा जब भी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे तो लगता है यार रुलाओगे क्या. Thank you very much. God bless you all for being here and I hope you enjoyed the trailer. और जो पीछे भी बैठे हैं मुझे सब दिख नहीं रहे. But yeah, thank you girls and all the boys, God bless you. Thank you, yeah. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. और बाकी सब बातें होती रहेंगी. आई थिंक एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भवा यहाँ पर नहीं आ सके, वो मेरठ में ही हैं. तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखकर भेजी है, तो मैं वो चिट्ठी पढ़कर आपको सुना देता हूँ. उन्होंने अपना गमछा भी देकर भेजा मुझे, उससे मैंने अपनी शर्ट बना ली, कच्छा भी दिया, लेकिन वो मुझे फिट नहीं आया. सो मैं उनका ख़त है आपको पढ़कर सुनाता हूँ. मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो. थोड़ा लंबा है दिल में, थोड़ा पेशेंस रखिएगा. मुझे पता नहीं शाहरुख खान को लिखी मेरी ये चिट्ठी कौन पढ़ने वाला है, पर जो भी पढ़ने वाला है वो ज़रा बाबुलंद आवाज़ पढ़े, क्योंकि खान साहब आप आसमान से बस थोड़ा ही नीचे हैं. सच बहुत बोलता है ये. और मैं ज़मीन से बस थोड़ा ही ऊपर, आप तक मेरी बुलंद आवाज़ ही पहुँच सकती है. आज सुबह ही मेरठ के अखबारों से पता चला कि जन्मदिन है आपका, तो सोचा कि आपको हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया कर दूं जो सिर्फ आपने हमें दी है. मोहब्बत में अदा लाने के लिए शुक्रिया, पुल पे बाहें फैलाने के लिए शुक्रिया, किरण को किरण बुलाने के लिए शुक्रिया, बाल माथे पे गिराने के लिए शुक्रिया, चलती ट्रेन की छत पर गाना गाने के लिए शुक्रिया, और गर्लफ्रेंड और उसकी माँ को बराबर का प्यार बांटने के लिए शुक्रिया. बस यूं समझ लीजिए कि आपके अपने होने के लिए शुक्रिया. खान साहब, आप में और मुझ में कुछ एक जैसा नहीं है, पर उम्मीद करता हूं कि जब भी मिलें एक दूसरे में बहुत कुछ ढूंढ लें एक जैसा. आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बउआ सिंह है और मैं सिर्फ मेरठ का हूं नहीं, मैं खुद मेरठ हूं. मैं सहारनपुर हूं, मैं जैसलमेर हूं, मैं त्रिची हूं, इंदौर हूं, अमृतसर हूं, इस देश का हर चौराहा हूं, कस्बा हूँ, पान की दुकान हूँ, आपके सामने नीले सूट में बैठी लड़की हूँ, लाल शर्ट पहना वाला लड़का हूँ. आप शहर हैं तो मैं गांव हूँ, आप बादशाह हैं तो मैं फ़कीर हूँ. एक और बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो. थोड़ा सा आपका, बाकी पूरे देश का बउआ सिंह. सो थैंक यू बउआ सिंह, वो यहाँ पर नहीं है. और अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को सवाल जवाब भी करने हैं. ट्रेलर सबको आई उम्मीद है कि अच्छा लगा, अब नहीं भी लगा अब तो बाहर आ गया, अब तो कहना ही पड़ेगा. यहाँ बैठे कोई तो ऐसा नहीं बोलेगा कि अच्छा नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पर सबसे पहले, शुड आई कॉल आनंद सर? ओके, ऐसा हम एज बिफोर ब्यूटी कर रहे हैं आज. सो सबसे पहले मेरे बहुत ही करीब दोस्त बन चुके हैं ये दो ढाई साल में. दो लोग हैं इस फिल्म में, एक हिमांशु और एक आनंद सर, जो मुझे दो ढाई साल पहले मिले. और उनका एक ख्वाब था कि एक फिल्म बनाएं जो एक वर्टिकली चैलेंज्ड पर्सन के ऊपर है, और एक लड़की के ऊपर है जिसको सेरेब्रल पॉल्सी है, और एक और एक लड़की के ऊपर है जो इमोशनली इनकम्प्लीट है. और मुझे इस बात में बहुत 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 फ़ख्र है कहने का कि इन दोनों का बिलीफ है जो आज ये पिक्चर, ट्रेलर आप देख रहे हैं, फिल्म आप देख रहे हैं, हम सब जितने भी लोगों ने इस फिल्म के अंदर भाग लिया है, और मैं लड़कियों के तरफ से भी ये कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं पर हम सब का कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस टूटा ज़रूर. हमको कभी कभी लगा कि यार ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा,
लेकिन विजुअल इफेक्ट्स टीम का, लेकिन दो इंसान हैं, अगर वो ना होते जिन्होंने ये ख्वाब नहीं देखा होता तो ये फिल्म कभी नहीं बन पाती। और इस वक्त भी बैक स्टेज जब हम खड़े हुए हैं, बीच में कटरीना का कॉन्फिडेंस टूटा, फिर उसके बाद अनुष्का का टूटा, फिर मेरा तो टूटता ही रहता है, हम अल्फाबेटिकली भी नहीं जा रहे, हम बस अपने कॉन्फिडेंस टूटता रहता है, तो ये दोनों जो हैं हमें संभाले रहते हैं, और सिर्फ अपनी फिल्म से नहीं, उस कॉन्फिडेंस से नहीं, अपने प्यार से, अपने दुलार से, और हमको बार बार गले लगा के। सो पहले मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म नहीं होती, ये फिल्म नहीं होता तो हम तीनों एक्टर्स का और बाकी सारी टीम का जो कलर येलो से है और रेड चिली से है और जितने भी लोग हैं, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 2-3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। सो प्लीज़ द राउंडेस्ट राउंड समझ गए ना यार, लाउडेस्ट राउंड ना, loudest round, okay. Loudest round of applause for the man who's made this dream come true, and he's genuinely more than a director, he's a brother, he's a friend, a father figure, aur set ke official halwai bhi hain. So please call on stage the one and only Anand L. Rai. और हमारी सारी टीम यहाँ सामने बैठी हुई है और सब आनंद सर के बारे में यही समझते हैं। अब मैं उनको आमंत्रित करूँगा जो तो हमारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं और जेन्युइनली बहुत डिफ़िकल्ट रोल्स हैं दोनों के दोनों। आनंद सर ने जब शुरुआत की थी, जैसे मैंने कहा, बिलीफ हमेशा एक आदमी का होता है, बाकी सब लोगों को उसके साथ जुड़ना होता है। सो दे वर ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको कभी ना कभी लगता था कि यार ये सही जा रहे हैं, ऐसा करूँ नहीं करूँ। There's so many issues actors have, stars have, me the most of them. I'm insecure at times, I'm overconfident at times, I'm happy at times, I'm extremely sad at times, I'm happy with what I've done, I'm even happier and sadder what I shouldn't have done and what has gone out of my hand, what has come into my hand, and all these things come together and make you feel loved when you do the right film. And these two girls, I'm sure, they've never expressed because they've been my friends for years and I love them the most, honestly. मेरे बहुत हैं दोनों, बहुत करीब, इतने करीब हैं कि इनको मैं डांट भी सकता हूं और मैंने डांटा भी है, उसके लिए भी माफ़ी मांगूंगा पर्सनली, आपके सामने नहीं। एंड आई वुड लाइक टू कॉल बोथ ऑफ देम ऑन स्टेज बिकॉज इफ इट वॉजेंट फॉर देम, जेन्युइनली दीज रोल्स आर सो डिफिकल्ट, सो डिफरेंट, एंड यू नो कैन मेक यू वेरी वेरी शेकी एट टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दे रियली एसेड इट ब्यूटिफुली विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लव, mostly for Anand sir, for Himanshu, and then me. So please give again the loudest, roundest, loudest, whatever, for Katrina Kaif and Anushka Sharma. आप यहाँ बैठो बीच में, आप दोनों बीच में, बीच में गोपियां, आसपास कन्हैया, ये हो गया। और आई थिंक आई जस्ट रिक्वेस्ट देम टू से हेलो एंड देन वी विल गेट ऑन विद व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव। आंसर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं सर, पीछे खड़े पूरे पसीने छुटवा दिए, इतना बोले आप, मतलब मेरे को लग रहा था इस बार बहुत कॉन्फिडेंस से आऊंगा, पर खान साहब ने जितना बोला है हम सब के बारे में, मतलब बहुत छोटा कर दिया सर आपने, मतलब सबको अपनी हाइट का लेकर ही आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। सो आई रिक्वेस्ट कटरीना और अनुष्का, मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुवासी नब्बे पूरे साथ में चलो, ये लो एक साथ कर सकते हैं, हेलो, सेम चीज़ भी बोलनी पड़ेगी हमको साथ साथ, हम इतने कनेक्टेड हैं, हम तो उनके मुंह से वही शब्द। मैं शर्त लगा सकता हूं कि एक लाइन में इनको दूं और ये दोनों साथ में बोल दें पहली बार तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आप दोगे ना? हाँ, मैं लाइन देता हूं। चल, टुगेदर यू हैव टू से, ओके, रेडी? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक, ये आता है तो फिर क्या, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई, से टुगेदर को
कोई चांस ही नहीं है. ठीक है, से हेलो टू देम एटलीस्ट ना प्लीज. हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे एंड विद ऑल ऑफ अस, एंड दिस इज सच अ स्पेशल डे. इट्स बीन अ वेरी नॉस्टैल्जिक डे फॉर मी. आई एम रिमेंबरिंग द लास्ट फिल्म दैट वी ऑल डिड टुगेदर एंड हाउ मच फन वी हैड, व्हिच ऑफ कोर्स वाज जब तक है जान. We all had such an amazing time. Since then, just today is bringing back all those memories. Thank you, Anand sir. Thank you, Shah Rukh, for having us here and being part of this amazing film. Hi, everyone. I think it's very special, not just because it's Shah Rukh's birthday, but also because of the people involved in this film. You've already met most of the crew that worked on this film. I think everyone's really given in their everything. And I've always said that this film is really like their child, you know, Anand sir and Shah Rukh. And I think thank you for taking us along on your journey and being so kind to us and being so good to us. And giving us the opportunity to portray the characters that, you know, that we have. I don't know why I'm talking for Katrina and me, but like we have. But I really do think it's a very special film because of the people. And I think it's the people who work on a film that really makes it special. And this is a bunch of really, really genuinely special people. So thank you. Thank you, Katrina. Thank you, Anushka. And I think we'll... Yes, yes. अभी मैं करता हूँ. नहीं नहीं, मैं वही सोच रहा था कि अब मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, आपके दिल में उठ रहे हैं. तो एक एक करके आई पॉइंट टूवर्ड्स यू एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. कहाँ से शुरुआत करें सर? इधर से. सर आप पहले बताएं. बोलिए ना, बोलिए. दिस साइड. मेरा माइक के लिए वेट करना, नाम बोल के बोल देना प्लीज. हैप्पी बर्थडे सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Sir, one question. Sir, how do you deal with stress and anxiety? Since in today's generation, you know, many people have a lot of stress and anxiety, especially the teenagers and, you know, the people in their early 20s. So how do you deal with stress and anxiety? Because you must be having so many issues, sir. I'm sorry, can I ask you a question? Why have we started with this question? Like, we are on a health forum. हम लोग मतलब किसी like health forum में बात करने आए हैं यहाँ पे. पहले मुश्किल चीजें खत्म कर ले, फिर कुछ हंसी मजाक भी कर ले. ये ट्रेलर देखने के बाद आप स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं? स्ट्रेस हो गया कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है ना, बहुत कलरफुल है. ओके, बाकी बोल रहे हैं. बोल देता हूँ मैं यार, कुछ ऐसा नहीं है. हमेशा मैं फलसफे की बात करता हूँ. तुम यंग हो एंड यू आर सेइंग दिस, सो आई शुड टेल यू गुड थिंग्स. आई शुड नॉट मेक लाइट ऑफ दिस. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हर चीज़ होती रहेगी लाइफ के अंदर और वो कभी कम नहीं होगी. आप ये मत समझना कि स्कूल में है कॉलेज में कम होगी, कॉलेज में है नौकरी में कम होगी, नौकरी में है शादी में कम होगी, बच्चों में है पर बच्चों में नहीं होगी. ऐसा हर जिंदगी में हर कुछ जगह पे स्ट्रेस आएगा. लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे दिल के करीब है. फिल्म का डायलॉग नहीं है, जेन्युइनली मैं आज 53 इयर्स का हो गया हूँ. तकरीबन आधी जिंदगी मेरी ख़त्म हो चुकी है और ये मेरी लाइफ का फलसफा है. उस जॉब में हूँ जहाँ पे हमेशा हर फ्राइडे जिंदगियाँ बदलती हैं, बनती हैं, टूटती हैं. मेरी खुद की फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत ख़राब बनी हैं, बहुत दुख हुआ है, बहुत हंसी आई है, बहुत चोटें लगी हैं, कुछ चीज़ें सही हुई हैं, बहुत सारी गलत हुई हैं. आज भी शायद 70 फिल्मों से शायद 30 ही फिल्में मेरी चली होंगी. ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस रेट है और हर बात पर दुख होता है, हर बात पर खुशी होती है, बट वो फिल्म की लाइन है, अंत में सब ठीक हो जाता है. सो यू हैव टू रियली रियली बिलीव एंड आई रियली बिलीव इन दिस. और ये जेन्युइन बात है, दिल में रखना ये कि अंत में सब ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर ठीक ना हो तो वो अभी अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है. और ये सच्ची बात बता रहा हूँ. आपका भी कोई लाइफ वाला सवाल है? नहीं नहीं, स्ट्रेस फ्री हो जाए क्योंकि शाहरुख खान का बर्थडे है. सबसे पहला सारे विश कर देने, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान. शाहरुख जी, सब तो पहला यह जानना चाहूंगा, पीटीसी पंजाबी पंजाब तो आया स्पेशली, ते आज सवेर तो लेके हजे तक अपने जन्मदिन की कीता तुसी उठन तो बाद? उठन तो बाद यार, मैं अभी ना, मैं किसी को बोल रहा था कि मेरे को ना ऐसा लगता है जिंदगी के अंदर कुछ भी चीज़ ओन नहीं करनी चाहिए, मतलब अपनी नहीं होनी चाहिए. और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरा जन्मदिन भी अब मैं ओन नहीं करता हूँ. तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ना घर वालों से मिलता हूँ, नहा लेता हूँ क्योंकि अच्छा होता है जन्मदिन के लिए नहाना. इट्स अ गुड थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर ऑन योर बर्थडे टेक अ बाथ, अदरवाइज तो जुम्मा ही होता है मेरा. सो आई टेक अ बाथ ऑन माई बर्थडे एंड मैं जाके सिर्फ लोगों से मिलता हूँ. आप लोगों से मिलने का मौका आज फिल्म की वजह से मिला, अदरवाइज भी मिलता मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं यार स्पेशल. सिर्फ मैं लोगों को मिलता रहता हूँ और बहुत खुशी होती है बिकॉज इतने सालों बाद भी इतने सारे लोग मुझे अभी भी प्यार कर रहे हैं मेरी हरकतों के बावजूद भी. सो इट्स नाइस. शाहरुख जी, आनंद जी, एक हियर देयर.
आनंद जी उस तरफ पीछे फोर्थ रो। आपके जो प्रोडक्शन की कहानियां हैं हम देख रहे हैं, एक दो सालों से देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और आम आदमी की जीत की कहानी होती है। तो जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है जीरो, और जिस तरह की फिल्म है ट्रेलर से हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो ये एक आम आदमी की जीत की कहानी है या उसकी हार की कहानी? सर क्वेश्चन जीरो पे, लेकिन पांच मार्क का क्वेश्चन है। पांच मार्क्स का हाँ, ये यहाँ इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व होगा, तो वो एक फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल जीत की ही कहानी है। इसका टाइटल जीरो भी इसी वजह से ही है कि हम लोग बहुत सारे उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि ये कुछ नहीं है, और उसमें बहुत कुछ होता है। वो रिश्तों में भी मैं गिनता हूँ कि कई बार हम रिश्तों को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लोगों को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो फॉर ग्रांटेड ना लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान को या किसी भी रिश्ते को। तो ये एक इंसान की जीत की ही कहानी है जो खुद से लड़के अपनी विक्ट्री पर निकलता है। Hello, Sakshi Desai. Hello, from where are you? Now. Yeah, here. There. Yeah. Okay. Happy birthday, Shahrukh. Thank you, Sakshi. My question to you all is, when was the last time you felt like zero and why? Depending on what you see as zero. You all are very successful. So when was the last time when you felt like a loser? Because most of us feel that, oh, you people don't have any problems in your life, but I'm sure it's not the case. So when was the last time you felt like a loser or like zero, as we call it? मैं हर बात पे loser feel करता हूँ यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरे को, मैं अपने एक परसों दोस्त के साथ था जो बहुत famous और I think हमारे देश के सबसे बड़े actor हैं, आमिर के साथ, और उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि तू ऐसा क्यों है शाह, ऐसा क्यों करता रहता है तू, सोच क्यों रहा है ऐसा तू। और फिर मुझे मालूम पड़ा बात करते करते कि वो भी ऐसा ही सोच रहा था। तो वो मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहा था सरप्राइज से, वो इसलिए पूछ रहा था कि आंसर चाहिए था कि मैं क्या करूं। तो क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, दोस्त है, ये दोनों दोस्त हैं। आई थिंक आनंद सर दोस्त से भी ज़्यादा हैं, भाई हैं। आई थिंक सबको यार कभी ना कभी हर जगह पर कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही रहता है दिन में जहाँ पर आप ज़ीरो फील करते हो। जैसे छोटी सी बात बताऊंगा, जैसे अगर अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हो। अभी मैं अब्राम के साथ बैठा हुआ था एक दिन, तो मैंने उसको कहा मेरे पास बैठ, फिर वो बैठा नहीं, मेरे पास चला गया। तो मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्याल आए कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने इसको मोहब्बत नहीं दी, कैसा तो नहीं मैं फिल्मों में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं टाइम नहीं लगा रहा। और एक दिन मेरे को ये खड़ा होगा एक लड़की के साथ और कहेगा कि काट के कालीन में हीरों के पैबंद नहीं लगाए जाते, मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुमको। जमींदार साहब, तो मुझको बहुत लूजर फील किया मैं उसको यार। फिर मेरी बीवी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बाकी दो बच्चे भी यही समझते हैं, फिक्र मत करो। सो मैं यार बहुत बहुत हर चीज में ऐसा फील करता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आई रियली बिलीव दैट। आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस इज अ वर्स थिंग देन फीलिंग लाइक अ लूजर। आई थिंक एक्सट्रीम्स तो वैसे नहीं होते, लूजर से थोड़ा बेटर फील करते रहो तो मेहनत ज़्यादा होती है। I just feel I work harder when I think I'm not good enough. I always feel I'm not good enough. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। उल्टा मैं बहुत चीज़ें मजाक में कह देता हूँ, मुझे नाचना नहीं आता, मेरे पांच एक्सप्रेशन हैं। मैं जेन्युइनली ये बातें मानता हूँ कि मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। सो देर इज़ अ क्लोजनेस एंड प्रॉक्सिमिटी टू जीरो। शाहरुख जी आपके राइट में, शाहरुख जी किधर राइट में, शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीजर आया है तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या। आपसे ऐसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट हो और थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का। सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स मिक्स टुगेदर। मैं जिस जगह पर मैं बैठा हुआ, अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है, यहीं से तमाचा आएगा करके ऐसा। मालूम है कहाँ बैठा हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है सवाल करते, जानता कौन है ये, इसीलिए तो पूछा। ये मिसेस क्रिकेटर हैं और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं, शर्म आनी चाहिए तुझको।
Maybe. We move to our next question. Can we all, okay, listen, ladies and gentlemen, can we also stick to the questions of the film? आप तो अपनी ज़िंदगी के सारे issues जो हैं, उन पे सवाल पूछ रहे हैं. सर, आपका सवाल फिल्म पे है? बताइए. हेलो. एक्चुअली ये मैं सवाल जो है ना मैं थोड़ा सा बोलूँगा बट आई वुड जेन्युइनली टेल आनंद सर टू टेल यू क्योंकि ना यार ये जैसे सर ने लिखी है हिमांशु के साथ और हेमल हमारे जिन्होंने एडिट की है जो मेन क्रिएटिव फोर्स है इस फिल्म की उन सबका जो एक बहुत अलग सा टेक है यार मोहब्बत पर बहुत इमोशनल लोग हैं बहुत इंटेंस लोग हैं और मोहब्बत में जेन्युइनली मानते हैं लेकिन और मैं ये बात कह रहा हूँ हमारी और भी क्रिएटिव अजय अतुल यहाँ पे हैं इरशाद भाई यहाँ पे हैं बॉस्को बहुत सारी टीम है जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया है चाहे वो गाने में है लिरिक में है डांस में है हमने लाइनों में है एक्टिंग में है जोन में है जो भी चीज़ों के अंदर यार ऐसी मोहब्बत का जो एक्सप्रेशन है मैंने अपने 27 सालों में नहीं किया है सो इट्स अ वेरी डिफ मैं बोलूँ उसको तो छोटा हो जाएगा मैं बोलूँगा बड़ी इंटेंस है बड़ी शिद्दत है बड़ी कमाल की मोहब्बत है बहुत फैलाव की मोहब्बत है आई थिंक थोड़ा सा मैं उसको छोटा कर दूंगा बहुत असली मोहब्बत है यार और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो मैंने की मैं सीन बोल नहीं सकता बट और ये भी बताऊंगा मैं हमारी बाकी टीम में भी यहाँ पे बहुत सब लोग हैं राहुल दा मनु बहुत लोग हैं हमारी टीम कई बार वो सीन देख के उनको भी लगता ये होना नहीं चाहिए सर ये कैसे पुश कर रहे हो आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप ऐसा नहीं करना चाहिए और कई बार ये भी बोला गया और मैं बताऊंगा कि शाहरुख खान से तो थोड़ा सा लोगों को एक्सपेक्ट बट ये बहुत असली मोहब्बत है यार सो इफ़ आई वांट टू से कि चांद तारे वाली मोहब्बत है आसमान वाली मोहब्बत है जुपिटर सैटर्न वाली मोहब्बत है पानी के अंदर चले जाने की मोहब्बत है मर जाने की मोहब्बत है फना हो जाने की मोहब्बत है एक्चुअली इन सब मोहब्बतों से जो असली मोहब्बत है वो ज़्यादा बड़ी होती सो आई थिंक इसमें बहुत असली मोहब्बत है और मैंने कहा था बहुत कम बात करूँगा तो इसलिए मैंने बहुत कम बात की One second. There's a question. I want to ask a question to the ladies. Okay. After watching the trailer, two questions. I want to ask you both individually. Katrina, I've seen you play so many roles. Lekin, I've seen you play so many roles. ओके खूबसूरती छुपी रहे अच्छा थोड़ा लगता है यार हाउ इज इट टू प्ले योर ओन प्रोफेशन ऑन स्क्रीन व्हाट यू आर इन रियल लाइफ वो रियल लाइफ से रियल लाइफ पे लेके आना वो मुश्किल था वो वाज जस्ट लाइक वॉक इन द पार्क सो द प्रोफेशन इज द सेम एज इन आई एम प्लेइंग एन एक्टर इन द फिल्म एंड आई एम एन एक्टर इन रियल लाइफ बट The personality of the character is not at all like me. I think I'm fairly well behaved and a fairly sensible person. And And this character, character's name is Babita in the film. And I think what Anand sir kind of. And your real name is? Katrina. Such. And I think, honestly, for me, it was just such an incredible experience working with Anand sir. The journey he took me on in this film was really unexpected for me. But most importantly, it was new for me. And every day I felt like I was learning something. Every day I felt like I was scared. Every day I felt like, what are we doing here? You know, what is Anand sir doing with me? And do I trust him? Do I not trust him? But at least I felt he was there with me every step of the way. And he was trying... We were trying together to create something new and something hopefully different and special. So for me as an actor, as a performer, I learned a lot in the film and it was an experience which I gained from tremendously. And I forgot what your question was. That's okay. Anushka, I've known you for 10 years almost now, okay? 10 saal ho gaye. I have no idea who you are. Right from the time that you debuted. Listen, I know this, ke,
यू जस्ट हैव दिस एनर्जी जिसके वजह से आप सामने वाले को भी नर्वस कर देती है बिकॉज तू ओल्डेस्ट लाइंस यूज कर रहा लड़कियों के साथ नहीं नहीं मैं 10 साल से जानता हूं जो तुम्हारी एनर्जी है पॉजिटिविटी है सर भाई बट आजकल नहीं चलता नो 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 आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट शी हैज दिस काइंड ऑफ बबली एंड नर्वस एनर्जी यू फील नर्वस यार या सो आई दैट यूज्ड टू हैपन टू मी आई यूज्ड टू थिंक यू नो व्हाट डू आई डू नेक्स्ट बट देन आई जस्ट रियलाइज्ड यू जस्ट हैव टू लुक जस्ट एंजॉय जस्ट टेक इट ऑल इन एंड देन यू विल बी फाइन सो इमेजिन यू आर ऑलवेज एंटरटेनिंग आपको आनंद सर कहते हैं कि तुम ही एक फिल्म कर रहे हो जहां पे तुम्हें बैठना है अनुष्का यू आर नॉट मूविंग टू मच एक्सेप्ट द चेयर ऑन व्हिच यू आर व्हाट वाज द थॉट आई मीन यू नो आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर हु हैज अ सेरेब्रल पॉलिसी सो इट वाज समथिंग दैट आई रियलाइज दैट वाज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज द ओनली वे आई कुड इमोट एवरीथिंग आई वाज फीलिंग was and emote so much. I mean, my character really goes through like these ups and downs in the film. Was by just really being centered and being on that chair and kind of not moving. In fact, I used to come on set and just be there and only get up jab agar mujhe you know lunch khane jana tha wapas. Main usi chair ko ghumati rehti thi puri set mein, so I get used to it. And I think as an actor, aap chahte hain that you get opportunities jahan pe aapko alag alag cheez karne ko mile. And I'm very happy ki mujhe is film se ye opportunity mili. That was my biggest reason to want to do this film apart from you know wanting to work with Anand sir and Shah Rukh again and Katrina but it was this because mereko lagta hai ki ye is film mein maine kuch aise karne ki koshish kari hai jo mere liye mushkil to tha but at the same time itna rewarding tha ki maine thoda sa apne aap ko ek aisi jagah mein kabhi kabhi paya ki main itna challenge feel kar rahi thi ki I was like yaar ye maine kara should you know the doubt that even she was talking about ki yaar main kar paungi ye believable lagega and I would keep telling him also you know Shahrukh can I take another take I don't think it's okay and he'd be like you were fine maybe you were fine it was looking fine and I was like nahi mujhe lag raha hai anand sir main wapas kar lu and I don't ever feel so nervous on sets you know usually jitni zyada main yahan pe is film pe thi so I'm sorry agar maine aap logo ko bahut zyada pester bhi kiya sir mic pe ek second ye lijiye but trust me suren tumhari wajah se aaj samajh khan sahab aaj samajh mein aaya right casting kyun hai क्योंकि ये बबली और चर्बी है इसलिए ये वहाँ बैठ सकती थी ये मेरे को अब भी जेन्युइनली अब भी समझ में आया कि इट्स एक्चुअली एक सच बात बताऊँ मैं अमूमन अभी जब मेरे को फिल्मों में पिछले 7-8 साल से लोग रोल ऑफर कर रहे हैं ना डायरेक्टर्स आके उनका एक अजीब सा है मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात यार बात कर ले बस कर ले जरूरी फोन तो नहीं है सर हाँ गर्लफ्रेंड का तो कर ले सब सुनेंगे तो मुझको ना हर कोई आके ये बोलता है सर आपके लिए पिक्चर चाहिए लेकिन हमें शाहरुख खान नहीं चाहिए तो ऐसा हो जाओ ये हो जाओ वो हो जाओ तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार नहीं चाहिए तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो आके मुझे बोलते हो ऐसा कुछ एक नया करेंगे एक तो ये ना री इन्वेंशन का जो चक्कर है ना यार बड़ा ही बोरिंग और बकवास है एकदम बिल्कुल एक बार इन्वेंट हो गया तो हो गया बार बार थोड़ा करते रहेंगे कि हम लोग प्लेन को री इन्वेंट कर देंगे ये कर देंगे दिस इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट अ डायरेक्टर इज नॉट ओनली नॉट वॉन्टेड मी ही इज नॉट ऑल्सो नॉट वॉन्टेड द हीरोइंस इन द फिल्म सो आई विल टेल यू दिस इनकी जो नेचर है कि ये बबली हैं जैसा आपने कहा और आउट गोइंग और व्हाटएवर इसको एकदम स्थिर कर दो मेरे को इतना लंबा हूँ छोटा कर दो और कटरीना जो कर रही है जेन्युइनली आई टेल यू समथिंग अबाउट कटरीना बिकॉज शी डजंट स्पीक टू मच आउट एंड यू नो वी जस्ट नो हर अनफॉर्चुनेटली यूनिक डायमेंशनली हम लोग क्योंकि मैं दोस्त हूँ इसलिए शायद बोल सकता हूँ शी इज एक्सट्रीमली इमोशनल बट शी हाइड्स इट वेरी वेल And she's been able to do that for years, only with personal friends she's like this. To be able to invoke that out of someone who's very dignified, very clear-headed, and as a matter of fact, quite strict. ये ठीक है, I'm sure breakfast time पे करती है, मेरी तरह हफ्ते में नहीं नहाती, ज़्यादा नहाती है, ये सब हैं इसके करते हैं. And both of them are completely contrary to what perhaps they are in real life. And I think for an actor that becomes the greatest challenge. For the director actually, that is the most difficult thing. कि अच्छे स्टार मिले हम तीनों से वो करा लें जो हमको करना आता है लेकिन फॉर हिम जो नहीं एकदम कंफर्ट जोन से निकाल के हाउ अनकंफर्टेबल एंड हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हिम एंड हिज टीम टू पुल दिस ऑफ एवरी डे विद 3 स्टार्स हु वर्क्ड फॉर 15-20 इयर्स एंड हु नो देयर बोन एंड दे नो इट एंड दे नो हाउ टू डू इट एंड टू से बिल्कुल नहीं कराऊंगा एंड टू कंटिन्यू कन्विंसिंग अस एवरी डे फॉर अबाउट 100 डेज फर्स्ट कन्वर्सेशन दैट आनंद सर हैड विद यू लाइक पहली बार जब मिले उन्होंने आपको बताया व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो कॉन्वर्सेशन थी यू नो बहुत इमोशनल बात थी बैठे मैं आनंद राय का नाम बहुत सुना था हिमांशु जी का बहुत सुना था दोनों बैठे और एक ऐसा खाली सा मोमेंट गया फिर उन्होंने कहा तुम्हारे घर में गोलगप्पे हैं
तो मैं कहा जी नहीं टिक्की है टिक्की मैं कहा नहीं भेल सेफ पूरी मैं कहा नहीं जैसे अगली मीटिंग नरेशन की अब मेरे ऑफिस में हुआ करेगी ये इनके पहले शब्द थे मुझको जैसे ही इन्होंने ये कहा मैं कहा ये पिक्चर तो करनी करनी है यार ये वाली नहीं छोड़ूंगा मैं बट ही जस्ट सेड एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली मैं आपसे वो सब छीन लेना चाहता हूँ जो आपकी स्ट्रेंथ है और मेरे पास एक फिल्म है और मुझे डेढ़ पेज या दो पेज के अंदर हिमांशु ने कहानी सुनाई और मुझे लगा कि मैं लूटने के लिए तैयार हूँ तो मैं आ गया यहाँ पे मैं कहा लूट लो लूट लो लूट लो मुझको वाओ वाओ ऑल राइट We move to the questions from the audience, sir. Aapka ex- yes, ma'am. Okay, wait. We'll come to the lady and then we'll come to you, sir. No, no, no. Just stand up. Sir, ye jacket fit kaise aa gayi aapko? Yeah. Sir. That's it. Shahrukh on your right. Viral picture. Shahrukh. On your right. Shahrukh. Udhar. Right. On your right. Ma'am, wait. Ma'am, wait. We are going there. So on your left, there. Third row. Shahrukh, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. Thank you so much. How are you? Good, good. Thank you so much. You are looking as handsome as ever. Shahrukh, सुना है कि ये फिल्म का जो रोल है आपका ड्वार्फ का, it's a very toughest role till date. तो आपको भी क्या ऐसा लगता है? What were the really physical challenges to play this? नो ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँगा मेरे लिए ये ईजियर था जेन्युइनली अनुष्का के लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि द किरदार शी इज प्लेइंग इज बेस्ड ऑन समथिंग विच एट टाइम्स इज अ स्पेशल एबिलिटी और अ डिसबिलिटी एज इज नॉट टू बी सेड नाउ यू नो टू पुल दैट ऑफ मैंने बहुत थोड़ा मायने में इस खान में किया है वो बहुत ज़रूरी होता है उसकी जो डिटेलिंग है कहीं पर भी वो गलत दर्शाया ना जाए एंड सिमिलरली फॉर कटरीना बिकॉज लाइक आई मैंशन पर्सनली आई थिंक मेरी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आसान हमारी सिनेमाटोग्राफर टीम ने और VFX टीम ने सॉल्व कर दी थी आई थिंक उन्होंने हमको इतना हैरी आई डोंट नो इफ ही इज़ हियर और नॉट ही गेव अस सो मच फ्रीडम दैट आनंद सर माई सेल्फ एंड ऑल द क्रिएटिव पीपल हिमांशु ऑन सेट्स एंड ऑल द चीफ ADs अनिरुद्ध वी हैड द फ्रीडम कि यार हम अपनी एक्सप्रेशन करें दे आई ऑल्सो आई थिंक इन मोर ऑफन दैन नॉट वी डिडंट बाइंड द अदर एक्टर्स कि यार ये टेक्निकल है आप लोग को ऑफ कोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस ऑन अनुष्का'स पार्ट एंड कटरीना'स पार्ट एज एक्टर्स टू वेट फोर आवर्स बिटवीन शॉट्स आई थिंक मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज जब पहली बार 8-9 महीने के बाद वो बनकर आया जो आप लोगों ने पहला टीज़र देखा था तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमारे को बहुत फ्रीडम है और आज भी हम जब फिल्म ख़त्म कर रहे हैं पोस्टिंग में है अभी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर डिस्कवरिंग एंड इन्वेंटिंग अबाउट दिस VFX stuff. So it's been eased off. So it wasn't so difficult for me as I think was for the actors, for the characters, plus the patience they had to show with me. Shahrukh on your right. Make second. Ma'am, there is this gentleman who's been waiting to ask a question for really long. Sir, aap pooch lijiye na, aapki awaaz badi buland hai. Thank you very much. Thank you. Young days means? तेरी क्या उम्र है दाढ़ी को डाई किया ना तूने डाई किए ना दाढ़ी तूने फिर क्या बोल रहे तुमसे यंग एज हाँ अब बोल रहा है कॉलेज डेज अभी हाँ अब्बू बुढ़ा है ही है नहीं बट ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं तेरे को यार कि सीरियसली अगेन मैं बार बार हमारी टीम पे ज़्यादा जा रहा हूँ मेनली बिकॉज ये ऐसी फिल्म है जिसमें जेन्युइनली फिल्म बनानी नहीं है फिल्म जीनी थी और ये जिंदगी का फलसफा है और रोज़मर्रा की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं
पैसे की दिक्कत होती है, घर की दिक्कत होती है, छोटी छोटी नौकरी की दिक्कत होती है, और ऐसा आप लोग मुझे सालों से जानते हैं, मैं कभी इस बात को झुठलाता नहीं हूँ, मैं बाहर से मूवी स्टार हूँ और लोग इतना प्यार करते हैं, बट सेम दिक्कतें सबको होती हैं, बट एक जगह पे आकर यार ऐसा करना ही पड़ता है जिंदाबाद कि यार ज़िंदगी काटनी नहीं है हमें, यार हमें जीनी है, बिकॉज एक ही है, और उसके अंदर जैसे मैंने बोला ये प्लीज़ मेरा फलसफा, हम लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आप में से कुछ उम्र में छोटे हैं ये तो नहीं है, बाकी आप लोग हैं उम्र में छोटे जो शायद मुझसे अभी मिलना शुरू हुए हैं, और मैं बहुत वक्फे में मिलता हूँ क्योंकि फिल्में कम आती हैं, बट जेन्युइनली ये बात मेरी मान के चलेगा, आई रियली थिंक ऑफ यू एज माई ओन, ऑल ऑफ अस, एंड इट्स समथिंग आई टेल माई चिल्ड्रन दैट एट द एंड ऑफ इट ऑल वन लाइफ वन बिलीफ एंड दैट इज लिव इट फुलेस्ट, और अंत में ठीक ही होगा यार, जो भी आप मानते हैं, भगवान में मानते हैं, खुदा में मानते हैं, गॉड में मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, माँ बाप की पूजा करते हैं, उनको सीनियर मानते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वट एवर यू बिलीव इन दैट फोर्स विल मेक इट ऑल राइट, थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव फॉर अदर्स, बिलीव इन द गुडनेस ऑफ लाइफ and it will reward you again and again and keep you younger looking also. Beautiful. Ek second, ek wait hu yahan pe main ek this gentleman who's in the white shirt. Shastar, first of all happy birthday. Thank you. It's a great trailer, I liked it really a lot. But the question is that, you know, with time Bollywood has also evolved and the films have also evolved. But if you see VFX, you are the one of the first few to introduce it in Bollywood with Rawan. And you've done films like Fan and now Zero. It's a difficult film to execute on screen. Does that make it, or does that interest you more when there is something related to technology in a film? No, I think I'll keep it short because I think I've said this very often. I think a technology is should be there in everything. See how your telephones have changed over the 5 years here. So much is happening. You guys are beaming this live, you know, which wasn't possible even say 2 years ago. You know, so much has changed, and if technology is available, it can only enhance the vision of the visionary director. So it's there. I think not only in Red Chili's visual effects, there are other really wonderful companies doing work. But unless you have a director who has the vision, and it's shocking. When I got to know with Anand sir, 6 months into the film, he said, "Sir, मैंने तो ज़्यादा green screen कभी use ही नहीं किया पहले." He's never used a VFX in his film. For paucity of time, finances, first film, or just by desire. You know, you can do that. But I think this technology is necessary for a visionary director like Anand Rai to really take the vision and take the flight, to really not kaato zindagi, to jio zindagi. I think cinema should take it there. And with the falls in footsteps into cinema theaters, with every small device having a cinema, I think the big film experience can only be enhanced by the vision of a director, and that you have to use it as a tool, and it should be. It doesn't interest me personally, but it most certainly is something as a person who's involved in films, if I can bring it to the table, I think it'll be the greatest return back I can give to cinema. One second. Aapke haath mein ek dabba bhi hai. I have one second, ma'am, there's a question coming here. Sorry, I have one more question. Second. Ha. In addition to that, to the three of you, you know, you said that it's a director's vision. The last time you guys had done a film, it was by a special person called Yash Chopra. This time it's by Anand Rai, who's equally revered in terms of filmmaking. How different were equations on the set, you know? How easy was it to work with him, and how easy was it to work with yourselves? Because it is the second film that you're doing together, three of you. या बहुत लंबा सवाल था. आई थिंक ही इज़ अ वेरी ईजी गोइंग डायरेक्टर. ही डजंट क्रिएट अ सेंस ऑफ स्ट्रेस और लाइक दिस हैवीनेस ऑन सेट कि हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं. और हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं विच इज़ रियली डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड बट ही वुडंट मेक अ वेरी बिग डील ऑफ इट. ही वुड बी लाइक how he is on any other ordinary day when we're shooting a simple montage sequence. And I think that shows his confidence as a director. And I think he's supremely confident as a director. His vision is very, very clear to him. And that's very easy for actors, because then you can really like just, you know, rely on him and trust him. And I think I found it very easy to trust him. And I think I would always be able to follow his vision very, very clearly. And I think somewhere he is so loving as a person
you know, and he really, really takes such good care of people around that you never feel like aap kaam kar rahe hain. You know, it seems very easy. And even though, and I keep insisting this, even though hum logon ne kuch aisi cheeze kari hain jo asaan nahi hai karna, you know, despite that, he would just make the experience so easy. And I don't think ki aisaan hota agar wo nahi hote aur wo ye picture direct nahi kar rahe hote to kaafi mushkil aur irritating ho sakta tha. But he made it very, very simple for us. Hi, Anushka. ये तो गिफ्ट लेके आया है आपके लिए और वो कुछ वक्त वगैरह का फुल लाइक इट्स अ रिडल घड़ी घड़ी लाया है हाँ कैच करूंगा फेंक मैं पैक पक्का पहनूंगा अभी पहन लूंगा मैं हाँ शाहरुख जी हाय हेलो मैम ओके थ्री और फोर मोर क्वेश्चंस शाहरुख जी मेरा सवाल आपसे है यहाँ पे किधर हेलो उधर सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की मुबारक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप ठीक हो बार बार दिन ये आए और आप अच्छी अच्छी फिल्में करते जाए हर रोज होना चाहिए ना जन्मदिन मेरा राइट हम लोगों को भी मजा आएगा अच्छा मेरा सवाल ये था कि ये आपसे पहले एक बार कमल हसन जी ने पिक्चर की थी अप्पू राजा जिसमें उन्होंने बौने का किरदार निभाया था और वो पिक्चर काफ़ी हिट हुई थी लेकिन जब ऐसा सुनने में आया कि ये फिल्म के लिए आनंद एल राय जी ने बहुत सारे लोगों को पूछा लेकिन सबने ना बोला था उसमें से सलमान खान भी थे तो आपने जब ये फिल्म साइन की तो आपका क्या मतलब थॉट्स थे इस फिल्म को लेके एक्चुअली स्ट्रेंजली मैं आपको बात बताऊँगा ये इतना ट्रू नहीं है कि सर ने बहुत से पूछा और बट एक्चुअली कटरीना से इन्होंने बहुत पहले बात की थी एंड दैट टाइम सलमान ने मुझे एक्चुअली फ़ोन करके बोला कि अब एक पिक्चर आया यार तो देखो कर दे सो एक सेकंड के अंदर उसने फ़ोन करा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको कोइंसिडेंस बताऊंगा कि द रीज़न ही केम एंड डिड दैट सॉन्ग वाज दिस कि मैं इस पिक्चर में होऊंगा ज़रूर और उसका सजेशन भी था कि कैसे करें वो थोड़ा सा अलग था हमारे जोन से कि कैसे उसको हम शूट करें उसने कहा था मास्क पहन के कर दे फटाफट यार चलना तो यार टाइम करो छोटे आदमी को मास्क पहना बच्चे को पहना तो हमने वैसा नहीं किया लेकिन द रीज़न दैट ही केम एंड डिड दिस सॉन्ग ये बहुत कम लोगों को मालूम है और सलमान जो है बहुत ही प्यारा इंसान है यार सी इफ आई वॉज लिसनिंग टू अ फिल्म फॉर वट एवर रीजन्स एंड इफ आई वॉज इन पार्ट ऑफ इट फॉर हिम टू रिमेंबर दैट अ ईयर लेटर और मंथ्स लेटर व्हेन द फिल्म वॉज एक्चुअली बीइंग टोल्ड टू कटरीना to come back and say yaar is picture mein mujhe karna zarur hai because I've heard this film so I think that was very dignified and decent and loving of him of course as a friend so that was the reason aur ye tha na sawal Shahrukh, there's a question, ma'am, your name, Neha from Hyderabad. Se yeah wonderful hi sir oh he's busy with watch no, I'm sorry happy birthday sir thank you so, gift layo नहीं सर मैं आई हूँ हैदराबाद से खूब सारी विशेस फॉर यू थैंक यू सो मच सर तुम हैदराबादी तुम सही बोले जी नक्को 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 तेलुगु बोलेंगे सर हाँ बावनारा सर बावनारा बावनारा सो क्यू नाउ टुडे यू नो ऑल ऑडियंस तेलुगु विल बी फीलिंग सो हैप्पी सर बावनारा चला बावनारा बोना वो आपके मुंह से तेलुगु सुन के ना उनके साथ में जो बैठी हुई है उनके कंधे पे मतलब हंस रही है खुश होगी कि कह रही क्या तेलुगु सुनने को मिल रही है कितना अच्छा ही स्पीकिंग सो वेल हां मोना शाहरुख खान ऐसा बोलते हैं ना ऐसा है ना आई एम शाहरुख खान ऐसा ना मोना 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 नहीं नेनू शाहरुख खान नेनू 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 शाहरुख खान नेनू ओनली आई मीन नेनू मुन्ना है बाबा सॉरी सॉरी अच्छा सर यू आर अ किंग ऑफ रोमांस So her time, you know. So I can see in the posters you're having full fun, and especially I want to ask Katrina and Anushka how tough because पहले तो sir पूरे full age मतलब पूरा height wide मिलती थी ना फिर नीचे Katrina को थोड़ा झुकना पड़ रहा है आपको ऊपर देखना पड़ रहा है देखो इनकी उम्र हो गई है चलता रहा थोड़ा इसकी शादी हो गई है इसकी शादी की उम्र है बच्चे होंगे बच्चों की आदत डाल रहा हूँ इनको मैं
बच्चों को प्यार करेंगी ना, गोद में उठाएंगी, तो उसकी आदत डाल रहा हूँ इन दोनों को मैं। अपनी हीरोइंस को पूरा ट्रेन करता हूँ, एंड तक छोड़ता नहीं हूँ मैं। सो इसलिए तो दे ऑल नो प्रैक्टिस नाउ, जैसे बच्चे होंगे लेके घूमेंगे तो ये मैं ये याद करेंगे मुझको 10-12 साल 15 साल बाद इंशाल्लाह, जब इनके बहुत सारे बच्चे होंगे। वाओ, बहुत सारे, पूरी क्रिकेट, बहुत सारे इंशाल्लाह। कटरीना क्यों करेगी क्रिकेट टीम? क्रिकेट आ जाता है अनुष्का मैम को देख के, क्रिकेट याद आ जाता है, पता नहीं क्यों। Hi Anushka, this is Urvi to your right. Where? Anushka. I didn't have a question. He didn't answer. Sir, ne answer nahi kiya. Nahi, they, and yeah. She wants to give. And Katrina ma'am. आप भी करो। How did it feel to work with half of them? मैं सीधे देख रही हूँ एकदम। हाँ। क्योंकि I don't have to, yes. I have to look. मैं in fact हमारा रिश्ता ही बराबरी का है। Very good. Very good. मतलब तुमने trailer देखा है यार, तुमको पता होना चाहिए। दो-दो बार देखा है। Katrina, this question is for you. Yes. Cute Shahrukh Khan, बार-बार नीचे, थोड़ा मुश्किल हो रहा था। I think she wants to do this stuff. Yeah. I think she's trying that. It was tough. It was unusual, honestly, because the relationship, or you know, the natural equation that you know we have or you have with a person who's like that, and the equation you will have with a character like the character in this film, it is different. So you do have to, I would have to be continuously conscious of that you know this height element is there. This is a person who's of a shorter stature, but he doesn't feel, the character doesn't feel himself that he's any less, and he isn't, of course, but he's got such a lively personality. He's got this amazing, you know, joy and passion for living. So it was just tricky to keep it in mind and make sure it was handled in the right way. But I think that Anand sir was there with us, and that was you know, first he was time there when to make sir sure. came for a shot in that, like. But इसे छोटा होके थोड़ा आ गया था. Yeah. No, actually, it's imagination. No, it's a very technical way that the film is shot. So I don't know if you want to give out how it's shot, sir, but anything you would like to add upon that. सर मैं छोटा हूँ लंबा हूँ किस तो मिलता ही है मुझको. मतलब तो किससे हमको बाकी क्या लेना देना है यार. हाय अनुष्का, तुम लोग तारों के बारे में सोचो. हम पूछ रहे थे किस होने में मुश्किल हुआ. नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें कभी, मेरा लाइन है उसका यार, तुम लोग तारों के ख्वाब देख रहे हो, हमने चांद को करीब से देखा है. क्या तुम लोग का यार. ओके मैम, पांच सवाल आप ही के हो गए हैं. आपने स्लैम बुक भरवा ली अपनी. अब मैं किसी और की तरफ बढ़ू प्लीज. एक सेकेंड मैम. Cutting it off, yaar, again and again. Let us finish. There are two, three people who want to talk. I am so sorry. Okay. एक सेकंड. उनका सवाल है आनंद सर के लिए. Let Urvi finish and then we'll come down. Okay. Urvi, go ahead. नहीं, एक सेकंड. Urvi, तुम्हें permission मिल गई. चलो. Sorry, we'll come to you, darling. Hi, Anushka. My question is to you. The year you started off with Pari, and then you had Sui Dhaga, which also did very well, and now you have Zero, and which looks absolutely blockbuster. How do you feel that 2018 has been professionally really good for you? You know, it actually has been. And I'll tell you what's most special, jo maine kal hi realize kiya, ki is saal mujhe industry mein 10 saal hoenge. Aur meri pehli film, Rab Ne Bana Di Jodi thi. Aur usi mahine mein 10 saal baad, I'm doing another film with Shah Rukh. So I think it's a beautiful circle, you know, of life that's come together like Zero. सो आई थिंक ये सब कुछ, और जीरो से हर चीज़ की शुरुआत होती है. हमको शून्य का मतलब तभी समझ, हमको नंबर्स का मतलब तभी समझ में आता है क्योंकि वो शून्य से बाहर निकलते हैं. सब कुछ शून्य से शुरू होता है, वहीं पे ख़त्म होता है. तो आई थिंक ये साल मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा. एंड आई थिंक आई हैव हैड सम रियली अमेजिंग रोल्स, इंक्लूडिंग माई रोल ऑफ आफिया इन दिस फिल्म. एंड आई एम हैप्पी कि जैसे बाकी फिल्म और बाकी रोल्स की जो अप्रिसिएशन मिली है एज एन एक्टर, आई होप आई गेट दैट इन दिस फिल्म ऑल्सो. And I'm glad, like I said again, that the opportunity was given with this film. Shahrukh here. Yeah, Jhansi Ki Rani. हाँ, बताइए. Okay, so sorry. उनके हाथ में माइक है, मेरे को तलवार नजर आ रही है बस. अभी फट फट. Okay, Priyanka, this side. I have two questions. One question, like Anushka gave a very beautiful explanation of zero. So, what is the meaning of zero in your life? Honestly, you know, one never thinks of it, apart from the fact because मैं थोड़ा scientific हूँ कि आर्यभट्ट साहब ने जो है. Zero is the gift that the world has got because of India. So it really is the first Make in India thing that we have. And without it, there is no counting, there is no accounting, there is no knowing how far or close we can be. Jiske piche lag jate hain, aage, hum Delhi mein aage bolte hain, yahan piche bolte hain, life bana dete hain. And genuinely, there is, it's a whole, it's a complete, it's circular,
And life is like that. So I have a lot of philosophical meanings of zero. And apart from the fact that in our film, it also is the essence that how do you look at zero? Do you see it as completeness or do you see it as nothing? And your choice has to be that you have to see it as completeness. It's the message of the film. Ki hum kya teenon ke teenon jis baaton se joonj rahe hain, main physically, ye ek disability ki wajah se, and Katrina emotionally as characters, kya hum usko kami samjhein? क्या हम उसको शून्य ऐसे समझेंगे कुछ नहीं है हमारी जिंदगी बर्बाद है या उसको कंप्लीटनेस समझें और उसको सेलिब्रेट करें सो आई लर्न एक्चुअली आई थिंक ऑल ऑफ अस आई विल बी स्पीकिंग फॉर एवरीबडी हियर हु इज ऑन द टीम एंड लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट दैट आई थिंक व्हाइल मेकिंग द फिल्म बीइंग सो डिफिकल्ट आई थिंक वी रियली लर्न द मीनिंग ऑफ यू नो सेलिब्रेटिंग इन कंप्लीटनेस विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू वेरी मच ओके वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दिस जेंटलमैन हियर सो अरे भाई हो गया भाई शाहरुख Yes, a ma'am, question. Wait. Ma'am, can I just After please? That, you'll give me the chance? Oh. What on earth did I do? So, same explanation, zero wali maine di thi. Kisi ne kuch nahi suna tha. Us time pe ki zero se shuruaat hoti hai. Yahan pe taaliyan. Okay, aap poochiye. Thank you yes, so much. Shahrukh, pehli baar aap se mukhatib ho rahi hoon. First of all, many, many happy returns of the day. And आपका एक डायलॉग मैं हमेशा फ्लॉन्ट करती हूँ जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं You are playing the role of a dwarf in the film, and जब आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी एंड जब आपको पता चला कि हम लोग कितने रेसिस्ट होते हैं कि हम लोग इंसान को छोटा कर या फिर यू नो दे आर नॉट फेयर दे आर नॉट टॉल दे आर दे हैव वेट उन सब चीज़ों को लेकर के हम उन्हें यू नो रेसिस्ट होते हैं हम उनको डिवाइड करते हैं सो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सिंस द रोल इज ऑल्सो ऑफ अ ड्वार्फ आपने अपना नाम नहीं बताया माय नेम इज अंकिता तिवारी अंकिता इस पूर्व मुसर्रत मौके पर आपका इस्तकबाल करते हुए मुझे बहुत शुक्रिया शुक्रिया और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सही कह रही और कई जगहों पर कई मौकों पर कई सिचुएशन पे वी आर यू नो ये होता है कई लड़कियां हमेशा ऐसा करती Two, one more step behind. Guys, understand, this is for your good. It's gonna hurt you. I request everyone, take one more step behind quickly. Everyone. One, two, three. Bawa! 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 ओके मैं एक सेकेंड मैं ये खुद बोलना चाहता हूं क्योंकि अंदर हम लोग ट्रेलर जब लॉन्च कर रहे थे तो शायद मैं खान साहब से ये बात नहीं बोल पाया था एक सेकेंड है यार मैं कह रहा हूं आज इंस्टाग्राम पे जिन लोगों की आपसे उनकी जिंदगी में कभी मुलाकात हुई है उन्होंने आपके साथ एक फोटो जो है जो खिंचवाई है उन्होंने डाली है और आपको उन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला इंस्टाग्राम पे भाई किस्मत तो हम लोगों की है कि हम शाहरुख जी से मिल रहे हैं आज के दिन सो आई थिंक फ्रॉम एवरीवन हैप्पी बर्थडे बट सर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है ये लड़कियां ज्यादा पागल फैन हैं या वो पीछे के लड़के गुड इवनिंग एवरीवन टू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग मेरे जन्मदिन पे आए और To everybody at the back there, guys, hi, how are you, all of you? Sorry, it does become difficult to meet all of you individually. So I try my best to be as close as I can be to all of you. So thank you for the balloons, thank you for the wishes, Love you. Thank you for coming home. And all you girls here, thank you very much for being so beautiful, thank you. Aur mujhe malum hai, aap log bahut der se aaye ho yahan par, to sab thak bhi gaye hoge, so I would like you to relax after this. So I'm not going to waste too much of your time. I'll
So I'm gonna first do my duty as the senior most member of the film Zero. कि मैं पहले जो है अनुष्का और कटरीना को यहाँ बुला लूँ कि आपसे मिल सकें. So they'll just come and say hello to you. You guys can wave out, know that you met them, but they have to get back and do their stuff. So please, I want you to give a huge round of applause for Katrina Kaif and Anushka Sharma Kohli. So I'm going to request these ladies here, these beautiful ladies, without whom this film would be absolutely nothing, goes without saying. Apart from that, they are my closest friends and I love them very much. And they have lots of work to do. And mujhe itna kaam nahi karna hai, aaj inko jitna karna hai, so I won't waste too much of their time. I want them to give their love to you. You can ask them stuff if you want. And as you all know, so, Anushka, first I'll request you to speak to everyone. And then finally, Katrina. Yeah! Hi, guys! Do you know, I cannot even begin to tell you all how beautiful this site is from here. You all are looking so beautiful in the middle of these balloons. Thank you so much. It's a very, very special day for all of us. It's Shah Rukh's birthday. And also the launch of our very special trailer. Aap sabne dekh liya? Did you all like just love it? So happy to hear that. Thank you so much for being here and giving us so much love. And now I'm going to pass on the mic. She already has a mic. The very beautiful Katrina Kaif. Good evening. Hello. Good evening, everybody. How are you? Kaise hain aap? Say we love you, Katrina. अच्छा आप शाहरुख के लिए गाना गाया हैप्पी बर्थडे वाला गाया दोबारा गाइए ना हमारे साथ ऐसे ऐसे गाएंगे Do you all know the Hindi one of this? सबको बार बार दिन ये आए बार तुम जियो थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू यू शाहरुख दिस इज अ रैप वर्जन थैंक यू आई थैंक यू सो मच आई टेल यू ऑनेस्टली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू बीइंग हियर व्हिच इज ब्यूटीफुल बट सबसे बड़ी गिफ्ट ये है कि मेरा जन्मदिन नॉर्मली मैं आप ही लोगों के साथ बिता सकता हूं जो मेरे और करीब दोस्त हैं उनको मौका नहीं मिलता सो टू ऑफ माय लवलीएस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड्स आर हियर सो थैंक यू हाँ या वो भी चाहिए किस मैं इनको इनको किस करके भेज के फिर तुम्हारे साथ करूंगा ना इनको जाने दो ओके I'll just request them to say bye because they have to go back and do a little more work. So please show your love for both of them and they'll see you again later. Thank you so much. We love you. Thank you so much, Katrina. Thank you so much. Thank you, Anushka. One picture. अभी केक लगा दे
Okay guys, I'm back. सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुश्किल ये है कि वो सारे वहां खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, फोटो सब चाहते हैं, राइट? एक सेकेंड ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है. अरे दो दिल्ली के लौंडे खड़े हैं यार, दो मिनट रुक जाओ, ठीक है? सो मैं सोच रहा हूँ, एक तो आपने ना बाकी लड़कों पे प्रेशर बहुत डाल रखा है, वो देखो ऐसे. हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेट तोड़ते हैं, लाइक हाउ दे से ना, ब्रेक द इंटरनेट. कोई आओ, जल्दी आओ यार स्टेज पे. भाई कहाँ है वो, आ जाओ. डू यू हैव अ सेल्फी स्टिक और समथिंग हियर? यू हैव? ओके, कहाँ है ये? सो एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप, वी विल डू दिस वन पिक्चर एंड आई विल पोस्ट दिस फॉर माय बर्थडे एज द मोस्ट स्पेशल पिक्चर. लेकिन 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 शाहरुख इज गोइंग टू टीच अस समथिंग दैट वी ऑल वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, हाउ टू डू द, थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, थोड़ा पीछे हो जाइए, सबकी डिमांड है. सो ओके एवरीबॉडी, वीडियो फोटो जो भाई, इसको तोड़ेंगे हम लोग अभी. मेक श्योर एवरीबॉडी कम्स. हां ओके, एक साथ सारे करना, क्या होता है, कौन से पैर पे वेट? लेफ्ट पैर पे, लेफ्ट पैर पे सब वजन डालो, लेफ्ट पैर पे. अब राइट वाला हाथ पहले निकालो और फिर लेफ्ट वाला, लेट्स गो. ऑल हैंड्स अप, स्वागत है. कैसे गा रहे हो, थोड़ा सुर में गाओ. ओके एक सेकेंड, पीछे की ऑडियंस तैयार है? पक्का? मुझे लग रहा है. 2 3 हो सारे इश्क की चाहो, आगे गाओ ना बेटा. सारे इश्क की चाहो, चल छैया छैया सावन तुझले, चल छैया. ओके ओके, लड़के भारी पड़ रहे हैं अब. एंड वील सी लास्ट अपॉर्चुनिटी. अबे कौन, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं, क्या ये मनोज का है, है? मनोज भाई भाई भाई, दादा, अरे दादा थोड़ा अंदर चला गया दादा. अरे मैं क्या मार रहा यार, नहीं मिल रहा है. कैसा है शाहरुख भाई? हाँ अच्छा है. Hey,
अनुष्का मैम ऊपर वन स्टेप अरे एक आएंगे ना एक्सक्यूज मी आप लोग पीछे आ जाओ ना हाँ मैम ये मोबाइल जी इस तरफ एक तब तक दोनों ले लेते ना या पीछे से क्लियर पीछे क्लियर फटाका ओके अभी एक ओ नहीं ना तमाम खान भी ना खान साहब भी ना चल बोलते ना हाँ मैडम मैम अनुष्का मैम अनुष्का जी हिला मत ले हिला मत ऊपर साइकिल पे साइकिल पे बैंड बना जी अनुष्का जी ऊपर अनुष्का जी मधे मधे येता ना तुम्ही ऊपर 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 वरती 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 हाँ चलेगा चलेगा पीछे आना निकेश मैडम मोबाइल पीछे निकेश पीछे आना अरे क्या कर रहा है रवि मेरे को भी डकर रहा है अनुष्का जी सामने करीना ही बोला भी अरे करीना बोला करीना करीना सुने मेरे को भी करीना सुने रही एक्सक्यूज मी ए उजियर मतलब ए रोक रोक मत ले नहीं नहीं ले नहीं 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 लिया मैं नॉट वेरी नहीं लिया तब तक किसी कोई लेगा नहीं या मैडम इकड़े मैम यहां पे मैम सेंटर अनुष्का मैडम इकड़े थैंक यू मैडम ये थैंक यू मत बोलो कैमरा कितना लोग मेरे फ्लैश आ रहा है हवा गरम है हवा गरम है अरे भाई मोबाइल वाले फोन है हाँ कीमा पवन ज्यादा गरम मत बनाओ बंद करो लाइट नहीं बंद करो गरम है एकदम बढ़िया साफ है साफ है अरे स्कूटर चाहिए मैन यार अरे
आप कौन है? कौन है? चलो आप सही है। अरे भाई मैं खड़ा हूँ काम कर दो। आजा आजा।